स्वागत है। तो आपको बता दें कि आज मध्य प्रदेश का बजट पेश होने वाला है। अब से थोड़ी ही देर में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे। विधानसभा के लिए रवाना हो चुके हैं और इस वक्त विधानसभा में आपको बता दें कैबिनेट बैठक चल रही है। वहीं विधानसभा निकलने से पहले वित्त मंत्री ने पूजा की प्रदेश का बजट बेहतर होगा, ये दावा मीडिया के सामने किया गया है। सभी वर्गों का ध्यान रखकर इस बजट को तैयार किया गया है। ये भी बताया गया है कि इस बजट में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की झलक दिखाई देगी। कोरोना काल में आर्थिक स्थितियों को जो गड़बड़ाई हुई थी उन्हें ठीक करने की कोशिश की जाएगी या की गई है इस बजट के जरिए। तो ये तस्वीरें उस वक्त की आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जब घर पर थे वित्त मंत्री और अपनी पत्नी के साथ मौजूद थे। रवाना होने से पहले विधानसभा के लिए टीका उन्होंने लगवाया, भगवान का आशीर्वाद भी लिया, मंदिर वो पहुंचे थे बजट पेश करने से पहले। और उस वक्त की तस्वीरें जब उनकी पत्नी ने उनकी आरती उतारी थी और ये जो बैग आप उनके हाथ में देख रहे हैं यही है जिसमें बजट है। और आपको बता दें कि वित्त मंत्री टैबलेट के माध्यम से बजट पढ़ेंगे। केंद्र की तरह ही मध्य प्रदेश का बजट जिसमें आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की झलक दिखाई देगी। यह बजट बहुत ही अच्छा बजट है और अभी पेश करेंगे 11 बजे सब चीज सामने आएगी। कर्मचारी भी खासी उम्मीद कर रहे हैं। सभी मैंने कहा कि सभी वर्गों के लिए, चाहे वो विद्यार्थी हो, किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं हो, सभी वर्गों के लिए यह बजट बहुत अच्छा बजट होगा, बेहतर बजट होगा। चलिए ज्यादा जानकारी हम लेंगे हमारे साथ हमारे संवाददाता वासु चौरे लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। वासु, मीडिया से बातचीत की गई वित्त मंत्री की तरफ से तो ये कहा गया कि हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, महिलाओं के लिए बहुत कुछ होगा, विद्यार्थियों के लिए बहुत कुछ होगा, किसानों के लिए बहुत कुछ होगा, कुल मिलाकर पूरे मध्य प्रदेश को ध्यान में रखा गया है और हर वर्ग के लिए इस बजट में कुछ ना कुछ है, ये दावा बजट पेश होने से पहले वित्त मंत्री की तरफ से किया गया। अब बिल्कुल जी, देखिए जो बजट है उसका मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना और इसके लिए जो तमाम वर्ग हैं उनका बेहद ध्यान रखा गया है। जब बजट के लिए तैयारी हो रही थी तो जो वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने समाज के हर तबके के साथ चर्चा की। मध्य प्रदेश के जो सबसे ज्वलंत मुद्दे थे, जो बड़े इश्यूज थे, उन पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई, उनको लेकर प्लानिंग की गई, प्लान्स बनाए गए और करीब 2,40,000 करोड़ रुपए का ये जो पूरा बजट है ये तैयार हुआ है। 7 से 8% ज्यादा है अगर पिछले बजट की बात की जाए तो। वहीं इसके साथ ही एक बहुत विशेष बात यह भी है कि ये जो बजट है केंद्रीय बजट की तरह ही डिजिटल रूप से जो विधानसभा में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आपसे कुछ ही देर बाद बजट पेश करेंगे और आम जन भी इस बजट को सीधे देख सकते हैं। जया, उसके लिए एक मोबाइल ऐप भी जारी किया गया है जिसको डाउनलोड कर सकते हैं हम गूगल प्ले स्टोर से। और बजट में क्या क्या विशेषता है, किस तबके को क्या मिल रहा है, किस वर्ग के लिए सरकार की कौन सी योजना है, ये तमाम सारी चीजें अब आपके सीधे मोबाइल फोन पर भी होंगे क्योंकि पूरी तरीके से जो ये बजट है इसको डिजिटल परफॉर्मा में इसको प्रेजेंट किया जा रहा है। अगर बात की जाए तो जो पेट्रोल और डीजल के दामों पर जो वेट को लेकर लगातार मांग उठ रही थी तो वेट को हो सकता है थोड़ा सा कम किया जाए। हालांकि ये बात तो बहुत स्पष्ट है कि वेट टैक्स हो या फिर अन्य जो टैक्सेस है उनको बढ़ाया नहीं जाएगा क्योंकि COVID-19 का जिस तरह से संक्रमण रहा है, लोगों की आर्थिक जो गतिविधियां हैं वो बहुत हद तक इससे प्रभावित हुई थी। 0% ब्याज पर कृषि लोन उपलब्ध कराने की जो सरकार की योजना है उसको लेकर बजट में प्रावधान होंगे। सब्सिडी पर बिजली के लिए जो प्रावधान है वो किए जाएंगे। इसके अलावा स्वरोजगार के लिए MSME उद्योगों का के लिए एक बड़ा जो बजट में है वो अंश कहीं ना कहीं हो सकता है क्योंकि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना लक्ष्य है। इसके चलते शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और उद्योगों पर कहीं ना कहीं सरकार का बहुत ज्यादा फोकस होने वाला है। कृषि क्षेत्र में जो तमाम सारी योजनाएं चल रही हैं उनको लेकर भी बजट में प्रावधान होंगे। और इस बजट की एक बहुत खास बात यह भी है कि जो योजना है उनके लिए पैकेज के रूप में जो फंड है वो इस बजट में प्रावधान किया जाएगा। अमूमन माना जा रहा है कि ऐसा पहली बार होगा और खासकर अगर हम युवाओं की बात करते हैं तो युवा बहुत उम्मीदों भरी निगाहों से इस बजट की ओर देख रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं रोजगार एक बड़ा एक ज्वलंत विषय मध्य प्रदेश में पिछले दिनों रहा है। तो सरकार की कौन सी ऐसी योजनाएं आने वाली हैं जिनसे जो सीधे युवा हैं उनको रोजगार से कनेक्टिविटी मिलेगी, स्किल डेवलपमेंट के लिए इस बजट में क्या कुछ होगा, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए क्या क्या कुछ होगा, ये सब देखने वाली बात होगी। और जगदीश देवड़ा जो कि मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री हैं जया, उन्होंने इस बात को बहुत
बहुत स्पष्ट कर दिया है कि चाहे कर्मचारी हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, हर तबके का इस बजट में, हर वर्ग का इस बजट में ध्यान रखा गया है और सबको ही जो योजनाएं हैं उनका सीधा लाभ मिलेगा। हालांकि अब बस मुझे लगता है कि 25 से 30 मिनट का और हमें इंतजार करना होगा और उसके बाद मध्यप्रदेश के जो बजट का पिटारा है वो खुल जाएगा और एक एक करके तमाम सारी जो योजनाएं हैं, जो विस्तृत रूप से इतने लंबे समय से एक्सपर्ट्स के साथ जो बजट की तैयारी हो रही थी वो चीजें सामने आने लगेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया आपका वासु। फिलहाल